आज मुंबई के ताज होटल में वेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां पर कई विशेषज्ञ मौजूद रहे। इस मौके पर विशेषज्ञों ने बताया कि वेल्थ का कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए और इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। देश की आर्थिक नगरी मुंबई के ताज होटल में वेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां कई नामचीन हस्तियां मौजूद रही। इस कार्यक्रम में फिलिक्स हॉस्पिटल के चेयरपर्सन डॉक्टर डीके गुप्ता, चीफ ग्रोथ ऑफिसर निखिल नायर और मिराए असेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ स्वरूप मोहंती शामिल हुए। कार्यक्रम में मौजूद विशेषज्ञों ने बताया कि निवेश करना कितना जरूरी है और कैसे कम पैसे से ही इसकी शुरुआत की जा सकती है। केवल देख के चीज़ें पढ़ के आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं सीख सकते, आपको कहीं ना कहीं जंप लेना पड़ता है। जैसे स्विमिंग पूल के टाइम आप एक छोटे पूल में जंप करते हैं, वैसे ही इन्वेस्टमेंट के टाइम आप एक छोटे अमाउंट से आप चालू कर दीजिए, छोटे समय के लिए कर दीजिए। एक बार वो सक्सेसफुल होता है, फिर आप स्टेप बाय स्टेप आप वो करना चाहिए। निवेश को लेकर मिराए असेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ स्वरूप महंती ने कहा कि अगर किसी को निवेश करना है तो वो करेगा, अगर नहीं करना है तो वो इससे दूर रहने के कई बहाने बनाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में उसमें बढ़िया मुनाफा मिलता है। बड़ा जो नीड है वो इन्वेस्टमेंट, उसके लिए जब पैसा की बात होती है तब बहुत ये सब डिस्कशंस आ जाते हैं, जबकि पहले निवेश करना चाहिए, उसके बाद बाकी खर्चा करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके पैसों की ज़रूरत रहेगी। ये सबको एक जो नीड ऑफ इन्वेस्टिंग जब तक खुद के अंदर से नहीं आता है ना, तो ये क्वेश्चंस रहेंगे। वहीं डॉक्टर डीके गुप्ता ने कहा कि हमारे देश में हेल्थ सेक्टर में और सुधार की ज़रूरत है। ऐसे कई मशीनें बनाई जा सकती हैं जिससे लोगों का इलाज करना आसान होगा। 5% से भी कम हमारे स्वास्थ्य सेक्टर पर खर्चा होता है, जिसको बढ़ाने की ज़रूरत है। सरकार अगर कोशिश करे तो हेल्थ सुविधा को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। 70% पॉपुलेशन हमारी गांव में रहती है, वहाँ पे भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज है ही नहीं, इंफ्रा ही नहीं। 70% हेल्थ केयर जो इंफ्रा है हमारा वो कन्फाइंड है टीयर वन सिटीज में, बड़े शहरों में। तो कहीं ना कहीं मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी केयर जो रूरल एरिया वहाँ पहुँचानी चाहिए, और कहीं ना कहीं बहुत सारी सब्सिडीज देनी पड़ेंगी प्राइवेट सेक्टर्स को, जो वहाँ जाके हॉस्पिटल बनाएं, हॉस्पिटल खोलें और वहाँ की जनता को सर्व करें, बिकॉज गवर्नमेंट के पास अभी भी इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वो सर्व कर सके। जानकारों की माने तो मार्केट में पहले निवेश करना जरूरी है। अगर लोग निवेश ही नहीं करेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनको आगे लॉस होगा या फिर प्रॉफिट। कार्यक्रम में मौजूद एक्सपर्ट्स ने कहा कि इन्वेस्टमेंट स्विमिंग की तरह है, सीखने के लिए निवेश करना बहुत जरूरी है। भारत की ग्रोथ आने वाले समय में और भी बढ़ेगी, देश में डिमांड ज्यादा है और डिमांड में कभी कमी नहीं आएगी। अगर कभी कमी देखी भी जाएगी तो सप्लाई है, इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। मुंबई से भारत एक्सप्रेस के लिए आंचल तिवारी की रिपोर्ट।